नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटा भाई बहुत गरीब था, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़ा भाई बोला, भले का भला नहीं होता, आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, पहले अपने भले की ही बात सोचनी चाहिए। तब छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो तो अपना भला कैसे हो सकता है। तब बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों से पूछते हैं, तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना भी धन है वह सारा तेरा, और मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जो कुछ भी है वह सारा मेरा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है चलो, और दोनों भाई गांव की तरफ निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा और तीन से पूछा। सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, भलाई करने वाला तो भूखा ही मरता है। भले आदमी का तो कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलता है वह तो खूब फलता फूलता है, धन धान्य से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास खेत का जो छोटा सा टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने का मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। एक दिन वह अपने बड़े भाई के पास गया थोड़ा सा अन्न उधार लेने के लिए। सोचा, वह तो अपना भाई है, वह तो अपने भाई की सहायता करेगा ही। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो गेहूं उधार दे दो, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दो और जितना चाहो गेहूं ले जाओ। तो छोटे भाई ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा, बड़ा भाई मजाक कर रहा है, गेहूं के बदले कोई आंख थोड़ी लेगा। पर बड़े भाई ने गेहूं के बदले एक आंख निकलवा ली और 10 किलो गेहूं दे दिए। जब वह अनाज लेकर घर गया तो उसे देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने यह क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकले, फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया। उससे अपने भूख से बिलकते हुए बच्चे देखे नहीं जा रहे थे। बड़े भाई ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो और गेहूं ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख निकलवा दी और गेहूं ले आया। घर पर बीवी बच्चे यह देखकर रोने लगे कि तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। तब छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे तो मुझे सड़क के किनारे पर बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई और उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक तो अपनी पत्नी की राह देखी, फिर जब बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा कि अब तो यहीं बैठकर रात गुजार लेता हूँ, और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाज आने लगी, तभी एक तूफान सा आया। दरअसल ये भूत थे, चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुरापाती थे, सब एक महीने भर लोगों को सताते थे, और महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। तो पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ, दोनों ने बाजी रखी और छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा, वह क्या जाने इस पेड़ की तली की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती है। फिर दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं बावड़ी सब कुछ सुखा दिया, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कई कोस तक पानी नहीं है, सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तब भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब के सब, उन्हें क्या पता वहीं पहाड़ के तले
सात मिट्टी के पर्दे हटा देने से पानी फिर आ सकता है। फिर तीसरा भूत बोला, सरदार जी, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया है। सरदार ने कहा, वाह बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी, किसी को क्या मालूम, इस पेड़ की झूमती जटा को पीसकर पिला देने से वह वापस बोलने लगेगी। खैर चलो, एक महीने बाद इसी दिन फिर यही मिलेंगे। फिर एक तूफान सा उठा और चारों भूत चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंदे अपनी आंखों पर लगाई और उसकी आंखें लौट आई। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने पर सब घर वाले बहुत खुश हुए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे रामनगर पहुंचा। वहां की हालत देखी तो रोने लायक थी। सूख कर धरती फट रही थी। कहीं भी एक बूंद भी पानी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से सात परतें निकाली ही थी कि फिर कुएं, तालाब, झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के साथ महल में जा पहुंचा। महल में जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। उसने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया और रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई। बड़े भाई ने जब देखा कि उसकी आंखें भी आ गई है और इतनी सारी दौलत भी, तो वह ईर्ष्या करने लगा। उसने छोटे भाई से माफी मांगी और उससे आग्रह किया कि उसे भी राज बता दे। तब छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। राज जानकर बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ के नीचे जा बैठा। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज आने लगी, लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया। भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट से उसका गला घोट दिया और बड़ा भाई वहीं पर मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भला करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता। वह बुरा करने वालों के कर्मों का परिणाम देर सवेर उसके सामने जरूर आता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो ज्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।